पहले तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज ये जो भी हो रहा है ना उसमें आप अपशब्द मत प्रयोग करिए दलित के लिए या किसी भी रिलीजन के लिए या किसी भी धर्म के लिए या किसी भी जाति के लिए, क्योंकि जो विरोधी है वो लोग यही चाहते हैं। हमें नहीं पता कि ये जो आग लग रही है, जो दंगे करवा रहे हैं, वो दलित के गुटों में छोड़े गए कुछ पेड़, क्या कहते हैं, माफिया गुंडे उन्हें हम कह सकते हैं, कि वो लोग कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, हमें नहीं पता है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि बहुत हिंदू टूट चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें और टूटने की जरूरत है। ओके अभिषेक जी मुझे ट्विटर पर नमस्ते कह रहे हैं, नमस्ते अभिषेक जी। तो मुझे नहीं लगता कि हमें बांटना चाहिए और ये जो खाई जो लकीर जो खींची जा रही है उसको और बढ़ाना चाहिए। तो मैं आप सबसे नम्र विनती करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में एक भी अपशब्द प्लीज हमारे दलित भाइयों के लिए मत करिए, ये लोग वही चाहते हैं, वो मत करने दीजिए, वो नहीं होना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि जब जब इलेक्शन होता है तब तब ऐसे सारे प्रोपोगेंडा आते हैं। एक्चुअली इशू क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट जो है एट्रोसिटी का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले कोई भी कंप्लेन करता है, कोई भी दलित या SC ST, तो उसपे तुरंत ही मतलब की गिरफ्तारी हो जाती थी। तो उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सी बात कही कि अब गिरफ्तारी से पहले छानबीन होगी और उसके बाद जो तफ्तीश होगी उसके अकॉर्डिंग गिरफ्तारी करनी है नहीं करनी है क्या है वो सामने आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत किया, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि इस पर इन लोगों ने पूरा ऑपोजिशन ने पूरा अपना प्रोपोगेंडा चलाया, ग्राउंड प्रोपोगेंडा उन्होंने क्या चलाया। मैंने आज कुछ दलितों से भी बात करी कि जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, उनको एक्चुअली पता नहीं कि मैटर क्या है, उन तक ये मैटर पहुंचाया गया कि मोदी जी जो है वो रिजर्वेशन उनका बंद कर रहे हैं। अब सोचो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी की क्या किसी की नहीं चलती, अगर चलती होती तो राम मंदिर 4 साल पहले बन गया होता। जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ कोई अपील करना चाहता है वो एक अलग बात हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कोई वो नहीं कर सकता है। तो इन्होंने ये प्रोपोगंडा चलाया जो मुझे पता चला है ग्राउंड से और जो मैंने तफ्तीश की है कि रिजर्वेशन के खिलाफ मोदी जी जो SC ST का जो रिजर्वेशन है वो बंद कर रहे हैं, इसलिए आपको भीड़ में शामिल होना और आपको हमारे साथ ये आंदोलन करना है। एक्चुअली आंदोलन का किसी को कुछ पता भी नहीं था। अब ये प्रोपोगंडा ये था कि पहले तो रूमर स्प्रेड करो, फिर पैनिक क्रिएट करो इलिटरेट लोगों के बीच में, जो भोले भाले है, जो नासमझ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके बीच में ये प्रोपोगंडा क्रिएट करो, फिर जुलूस निकालो आंदोलन का, और उसके बीच में अपने जो पेड़ गूंज है या अपने जो गुंडे हैं, मवाली लोग हैं, टपोरी लोग हैं, उनको छोड़ दो और बाकी वो सब करेंगे जो भीमा कोरेगांव में हुआ। ये वही हो रहा है, भीमा कोरेगांव वाला ही ये रिपीट हुआ है। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि आज दलित की हिंसा में देश जल गया, 7 लोगों की मौत हो गई, मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 1, बिहार में 1। इन लोगों ने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, हर जगह दंगे किए, करोड़ों की प्रॉपर्टी फूंक दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को बार बार नुकसान करते। अभी तो 2 दिन पहले हम सब लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से 31 तारीख से पहले अपना टैक्स भरा है, इसलिए भरा है कि इन जैसे गुंडे कभी भीम सेना के रूप में, कभी करनी सेना के रूप में, कभी जाट सेना के रूप में, कभी मराठा सेना के रूप में, अलग अलग गुर्जर सेना, पता नहीं कौन कौन सी सेना ये बनाते, एक एक सेनापति जिनको पीछे के दरवाजे से सुटके से भर के आ जाती है और फ्रंट गेट से ये सेल्फ प्रोक्लेम लीडर बन के निकल जाते हैं और हर जगह दंगाई दबंगाई गुंडाई करते हैं। अब इसमें है ना, मैं आपको एक बता दूं कि बहुत सारे लोग, मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर भी बन गए, इन सबके ट्वीट्स आए सामने। अल्पेश ठाकुर का ट्वीट है, मैं सबके पढ़ के बताऊंगी, शैला रशीद का है, हार्दिक पटेल का है, राहुल गांधी का है और है जिग्नेश मेवानी का। इन सारे ट्वीट्स में एक बात कॉमन क्या है पता है आपको? इन सारे ट्वीट्स में एक बात कॉमन ही है कि किसी ने भी शांति बनाए रखने की अपील नहीं की, और न्यूज चैनल में आके बोल रहे हैं कि शांति बनाने की अपील क्यों नहीं भाजपा करती। भाजपा ने तो हर कोशिश कर ली, प्रोपोगंडा किसके वो सबको पता चल रहा है, 14 स्टेट्स में आप लोगों ने अपनी गुंडाई दिखा दी। अब मैं एक एक के आपको ट्वीट पढ़ के दिखाती हूँ, क्योंकि काफी लोग शायद ट्विटर पे नहीं होंगे, जो फेसबुक में और जो ट्विटर में वो तो जानते ही हो, पर अगर उनके ध्यान से ये बात रह गई हो तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। राहुल गांधी लिखते हैं कि दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS और भाजपा के DNA में है, जो इस सोच को चुनौती देते हैं उसे वे हिंसा से दबाते हैं।
हजारों दलित भाई बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपना अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। मतलब ये जो बंदा है राहुल गांधी, ये पप्पू अपने ट्वीट में ये बात कह रहा है, मतलब इनडायरेक्टली दलितों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा ये कह रहा है कि ये सब भाजपा और आरएसएस करवा रही है, दंगाई करवाना उनके डीएनए में। अब मैं राहुल गांधी को बता दूं कि हमारे डीएनए पे तो आप लोग जाओ ही मत, क्योंकि हमारा डीएनए तो हिंदुस्तानी है, जो डीएनए हिंदुस्तान के लिए वफादारी निभाता है। रहा सवाल आपके डीएनए का, तो आप तो हो ही मिक्स ब्रीड, ठीक है, तो आपके डीएनए आप संभाल लो, आपकी जो वफादारी इटली के प्रति या बाकियों के प्रति है वो आपकी हिंदुस्तानियों के प्रति कितनी है वो सब दिखाई देता है। अब आप बहुत ज्यादा हिमायती बन रहे हो जिस बाबा साहेब को आपने कभी भारत रत्न नहीं दिया, 60 साल आप लोगों ने सरकार चलाई, उनको भारत रत्न नहीं दिया, आज आप बड़े उनके फॉलोअर्स बने घूम रहे हो। बाबा साहेब की तस्वीर आपने संसद भवन में नहीं रखी, लोकसभा चुनाव में हराने की पूरी कोशिश करी बाबा साहेब को दो बार, और बाबा साहेब का नाम आज आप राजनीतिक, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हद है मतलब दोगलेपन की, इतना दोगलापन, मतलब बड़ा दुख होता है आज मुझे, इतनी वो हो रहा है कि पता नहीं ये देश कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग। ये राहुल गांधी लिंगायत को अलग करने की बात करता है, अपने आप को जनोईधारी परम शिव भक्त हिंदू कहता है, और फिर शिव भक्त लिंगायत को ही हिंदू कम्युनिटी से अलग करने की बात करता है। दलितों के लिए ये बार बार आ जाता है ये राहुल गांधी, जो जिसका इतिहास रहा है कि जो कभी हिंदुओं के नहीं हुए, दलितों को कभी इन्होंने सम्मान नहीं दिया है। आगे जाके मैं आपको आंकड़े बताऊंगी कि कांग्रेस के शासन में दलितों पर कितने अत्याचार हुए, कितनी एट्रोसिटी हुई, उन लोगों को कितना परेशान किया गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये जिग्नेश मेवानी, एक तो इतना बदतमीज बंदा है ये, इसको बोलने की तमीज तक नहीं है इस मेवानी को। ये है ना, इसकी जो हरकत है ना, वो सड़क छाप गुंडे टपोरी मवाली नहीं होते, वो भी इससे ज्यादा अच्छी भाषा उपयोग करते हैं। ये आज एक न्यूज चैनल की डिबेट में, मैंने खुद ने सुना है और आप खुद भी सुन ले जी न्यूज की, अगर आपको न्यूज डिबेट जो रूबिका ने करी थी उसमें आप देखना कि ये बकायदा ये बोल रहा है कि भाजपा वाले तो सुअर है, ये ऐसा बोला। मुझे खुद को ये शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता है, पर ये घटिया लोगों की जब बात करती है और इनकी सच्चाई बतानी पड़ती है तो ये लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बोलना भी बहुत जरूरी है। तो ये बंदा कहता है कि भाजपा वाले सुअर है, इसकी सोच इतनी घटिया है इस बंदे की, जिसकी गंदी सोच होती है ना उसकी जुबान से गंदे शब्द ही निकलते हैं। अब ये कहता है कि रामविला, इसने एक भी ट्वीट ये तो नहीं करा शांति बनाने का, किसी का ट्वीट नहीं है, ये सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा है रामविलास पासवान एससी के चुकादे, सुप्रीम कोर्ट के चुकादे से दलितों को अच्छा नहीं लगा, ऐसा रामविलास पासवान ने कहा, ठीक है। उस पे ये क्या जवाब देता है, पासवान जी बीजेपी की बहुत चापलूसी मत करो, बात अच्छे लगने की नहीं है, बात है इस चुकादे से दलितों का अच्छा नहीं होगा। अब पहले तो मैं जिग्नेश मेवानी को ये जवाब दे दूं कि तुम अगर सेल्फ प्रोक्लेम दलित ठेकेदार बन के बैठे हो तो तुम्हारी जो ये ममता बेगम है, मुमताज बेगम जिसको मैं कहती हूँ, उस ममता बेगम के स्टेट में पश्चिम बंगाल में दलितों पर इतने जुल्म हो रहे तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तब तुम कहाँ चले जाते हो। 250 से ज्यादा रामनवमी के बाद 250 से ज्यादा दलित लोगों पर अत्याचार हुए पश्चिम बंगाल में, गरीब दलित लोगों पर अत्याचार हुए। कहाँ थे ये जिग्नेश, कहाँ थी ये मायावती जो बड़े दलितों के हिमायती बनते फिरते हैं। ये लोग इतने दोगले हैं, इनको दलितों से कुछ लेना देना नहीं है, इनको किसी और जाति से भी कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी। और मैं जिग्नेश मेवानी को बाय द वे कह दूं कि वडगाम की जिस सीट से लोगों ने तुमको चुन के भेजा है ना विधायक, और जब तुम कह रहे थे ना कि मैं विधानसभा जाके मोदी की पूंछ दबाऊंगा और विधानसभा में जाकर हमारे हक मांगूंगा, अब जो भी मुझे दलित भाई सुन रहे हैं ना वो ये सुन लो कि इस बंदे का मैं चिट्ठा बता रही हूं, ये जब विधायक बना उसके बाद से अब तक विधानसभा के 27 दिन हो गए, 27 दिन में से 27 दिन विधानसभा चली, गुजरात विधानसभा की मैं बात कर रही हूं, उसमें इस बंदे ने 10 दिन अटेंडेंस दिए, इसकी 27 दिन में से 10 दिन ये बंदे ने अटेंडेंस भरी है। मतलब जो बंदा 50% भी 50% भी जिसकी अटेंडेंस नहीं है विधानसभा में, जो एमएलए तो बन गया पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, ये विधानसभा में जाकर लोगों की बातें नहीं पहुंचा रहा है, वहां पे ये कर रहा है राजनीति। पता है कैसे, कभी पूना चला जाएगा भीमा कोरेगांव का कांड करके आ जाएगा, कभी दिल्ली चला जाएगा वहां पे चक्का जाम करके आ जाएगा, यहाँ गुजरात में तो ये करता ही रहता है आए दिन, ये काम कम करता है, इसको मैं मदारी बोलती हूँ। ये मदारी इसलिए है
क्योंकि है ना ये हर गली चौराहे नुक्कड़ पर आपको नाचते गाते तालियां पीटते हुए दिखेगा। ये झोला छाप आदमी हर जगह झोला लेके चला जाएगा, जहां से विधानसभा से इसको चुन के भेजा है वहां पे इसकी 50% अटेंडेंस नहीं है विधानसभा की बैठकों में, और ये बंदा जनहित की बात करता है, जिसकी लैंग्वेज इतनी घटिया है, जो इतनी घटिया भाषा में बात करता है, जो मतलब देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग करता है, ये इंसान कल्याण करेगा? ये इंसान अपने आप को युवा लीडर कह रहा है, सेल्फ प्रोक्लेम दलितों का लीडर कह रहा है, ये बंदे ने दलितों को और पिछड़ा कर दिया आने के बाद में। कोई लीडर ऐसा होता है जो अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाता है, ये अपनी कम्युनिटी को पीछे लेके आ रहा है, ये बैकवर्ड कर रहा है अपनी कम्युनिटी को। और इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, सुनो अच्छे से, आप है ना गलत इंसान के हो। आप पहले तो जाके जिग्नेश मेवानी को सवाल करो कि आपको हमने चुना है, विधानसभा में क्यों नहीं जा रहे हो, आपकी अटेंडेंस 50% भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आप क्या हर जगह हर केजरीवाल की तरह, केजरीवाल जैसे एक स्टेट लेके बैठ गया था, उसने दिल्ली में ध्यान ना देके पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करा, यहां तक कि पाकिस्तान तक का भी मतलब वो हिमायती बनकर आ गया। ये जिग्नेश मेवानी उसकी कॉपी है, ये जिस टेरिटरी से इसको चुनकर लाया गया है उस टेरिटरी का ये काम नहीं कर रहा है, ये बस ये क्या बोलते हैं इसको, लुक्खागिरी करता है ये बंदा। देखो आप लोग कैसे लोगों को चुन के लाते हो, जब ऐसे लोग चुन के आते हैं ना तो यही होता है, हर जगह तोड़ फोड़ दंगा। बार बार ये कहता है सड़क की लड़ाई, सड़क सड़क पर लेकर आएंगे, अब हमें सड़क की लड़ाई लड़नी है, हर जगह बैठ जाते पुलिसों को। ये इसके वीडियो वायरल हो रखे, आप यूट्यूब पे देखो, पुलिसों को ये गालियां बकता है, इतनी घटिया भाषा का ये बंदा प्रयोग करता है। ये आज ये बात कहता है और हमको ये बात सिखाता है, जिग्नेश मेवानी कहां जाता है जब दलितों पर अत्याचार पश्चिम बंगाल में होते हैं, उसको ऊना का एक दलित दिखाई देता है, वो ऊना का दलित जिस पर अत्याचार हुआ था, जिसने उसको मारा था, उसको जेल तक हो गई है, वो अभी जेल में सजा काट रहा है। ठीक है, ये है गुजरात का कानून, ये है गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर, कि उस बंदे को जो भी है, दलित भी हिंदू ही है, इसलिए माफ करके आप हर मुद्दे को दलित दलित मत करिए, ये बोलिए कि हिंदू का ये इंसान गया है या हिंदू के इस इंसान को परेशानी हुई है। ये दलित दलित वाली क्या राजनीति चालू कर दी, इतने टाइम तक मुस्लिम मुस्लिम करते थे, अब दलित दलित करते हो, और ये क्या नारे लगाते हो, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आपको पता है इतिहास का क्या हुआ है, इतिहास पढ़ लो अच्छे से, पता चल जाएगा ये कोई किसी के सगे नहीं है, कोई ना ये मुसलमानों के सगे ना ये दलित के सगे, ये सिर्फ इसके सगे। ठीक है, और ये इनका 4 साल से बंद हो गया है ना, इसलिए ये एक एक नमूने खड़े होते हैं, कभी हार्दिक पटेल के रूप में, कभी जिग्नेश मेवानी के रूप में, कभी कन्हैया, कभी उमर खालिद, कभी कुछ, पता नहीं कौन कौन कहां से खड़े होके आ जाते हैं। और ये रहा सवाल ये चापलूसी की बात कर रहा है, तो ये बंदा चापलूसी तो खुद कर रहा है कांग्रेस की, कांग्रेस की गोद में जाके बैठा है। इसने बोला कि मैंने अपक्ष चुनाव लड़ा, ये कांग्रेस की गोद में जाके बैठा, इसने ये सारी बकवास करी, कांग्रेस को पूरा समर्थन करता है, हर बार ये भाजपा के स्टेट में जा जाके आतंक मचा के आता है, इसको पश्चिम बंगाल में इसको कुछ नहीं दिखता। कैराना में पूरा साफ कर दिया, कैराना हिंदुओं का कोई घर नहीं बचा, वहां से उनको भगा दिया, जिसमें दलित भी, हिंदू में सब आ गए। ये दलित दलित करता है, जब मैं हिंदू की बात करती हूँ उसमें सारे आ गए, सब कुछ आ गया, उसमें हर एक कास्ट आ गई। ये बंदा खुद जाके चापलूसी करता है, राहुल गांधी की गोद में जाके बैठा और ये बकवास करता है, और इसकी लैंग्वेज तो आप देखो, मतलब इतना घटिया बंदा है कि मेरे सामने जिस दिन ये इस तरह की बदतमीजी करेगा ना, इसको जूते पड़ने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको बात करती हूँ अल्पेश ठाकुर की। ये ठाकुर समाज का सेल्फ प्रोक्लेम लीडर है, बट ये अल्पेश ठाकुर ये कहता है, सुनना इसका ट्वीट, आप जाके देख लेना। ये बोलता है जब कश्मीर वैली में प्रदर्शनकारियों के सामने प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल करते हो, पहली बात तो वो प्रदर्शनकारी नहीं है, वो पत्थरबाज है। तुम्हें पत्थरबाज भी प्रदर्शनकारी लगते हैं, और पत्थरबाजों पर पैलेट गन तो क्या, जो मेजर गोगोई ने किया था ना वो करना चाहिए, और उनपे पैलेट गन बकायदा चलानी चाहिए। हमारे सिपाही वहां पर मरने के लिए नहीं जाते, या उनके पत्थर खाने के लिए नहीं जाते, जाके खड़े रहो एक दिन कश्मीर में, पता चलेगा, और खाओ एक पत्थर तो पता चलेगा, विधायक बन के एसी रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें और ये बकलोली करते हो, ये सब समझ में आता है। फिर ये बंदा बोलता है, जब कश्मीर रैली में प्रदर्शनकारियों के सामने प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल करते हो, तो आज हमारे दलित लोग संवैधानिक मांगे लेकर शांतिपूर्ण भारत बंद कर रहे हैं, तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना कितना जायज है। अंधाधुंध फायरिंग कौन कर रहा है, मैं बताऊं नाम बताऊं उसको, ये पता नहीं क्या नाम इस बंदे का, ये अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ पकड़ा गया, इसकी गोली से है ना 3 लोग मारे भी गए हैं। ये बंदा मैं आपको नाम बता देती हूँ उसका, एक बंदा है यहाँ पे ग्वालियर में, जो पिस्तौल लेके जिसने फायरिंग करी जिससे 3 लोग मारे गए, राजा चौहान नाम है, भले कोई भी पार्टी से हो, मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टी से है, किसका गुंडा है भगवान जाने, पर इस राजा चौहान ने अंधाधुंध फायरिंग करी और 3 लोगों को अपनी गोली से मार दिया।
ठीक है, अब ये बात करते हैं तो क्या पुलिस बैठे बैठे तमाशा देखेगी? तुम लोग आंदोलन के नाम पर बेचारे आम जनता को परेशान कर रहे हो, आम जनता परेशान हो रही है, बच्चों तक को भी तुम नहीं छोड़ रहे हो, और फिर पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे और देखे कि नहीं तुम लोग कर रहे हो वो तुम्हें करने दे। तुम लोगों को इतना मारना चाहिए ना थोड़ा, है ना, इन ये जो कश्मीर में ये जितने भी है ना ये सेल्फ प्रोक्लेम लीडर, ये हार्दिक पटेल, अल्पेश, जिग्नेश मेवानी, शैला, उमर, कन्हैया, जो भी है ये सारे के सारे, और ये राहुल गांधी, इन सबको उठा के एक दिन है ना बॉर्डर पर भेजो पत्थरबाजों के बीच में, इनको इनकी औकात तो पता चले, इनको पता तो चले हकीकत क्या है। फिर से दलित को भूल गए क्या बीजेपी? दलितों को आतंकवादी समझती है? भाई किसने समझा दलितों को आतंकवादी? कौन कहता है दलितों को आतंकवादी? आतंकवादी कौन है वो सबको पता है। आतंकवादियों का आप लोग समर्थन करते हो, पाकिस्तान जिस आतंकवादी जिस बुरहानवानी के लिए ब्लैक डे मनाता है उस बुरहानवानी को तुम लोग सर पे बिठाते हो। अफजल गुरु, याकूब मेमन, ये सब आतंकवादी थे जिसको तुमने अपने अपने कलेजे से लगाया लगा के रखा है। इशरत जहां को बेटी बनाते हो, पता नहीं किसको क्या बनाते हो, बुरहानवानी को बेटा बना लेते हो, ये होते आतंकवादी? ये नहीं होते दलित? ये क्या दलित दलित के नाम पर तुम लोगों ने राजनीति करके रखी हुई है? ये अल्पेश ठाकुर का ये भी भड़काने का काम कर रहा है, इसका मैंने आपको बता दिया। अब ये आता है हार्दिक पटेल, इसकी बात सुनो। हार्दिक पटेल का मैं आपको ट्वीट बता रही हूँ। हार्दिक पटेल कहता है आज भी भाजपा ने अपनी औकात दिखा दी। औकात तो है ना तुम लोग दिखा रहे हो अपनी, हर बात पर, हर चीज पर, हर मुद्दे पर। क्या था ना, मैं हार्दिक पटेल को बता दूं, गुजरात इलेक्शन हो गया ना, फिर अचानक से जो हार्दिक पटेल का जो वो था ना कि बेरोजगार बहुत गुजरात में बढ़ गए हैं, किसान बेचारे बड़े परेशान होके मतलब मर रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं, फिर पाटीदार के लिए रिजर्वेशन की बात करता है ये बंदा, पाटीदार के लिए रिजर्वेशन की बात करता है, और अन्ना जो आंदोलन कर रहे हैं रिजर्वेशन के खिलाफ, ये उस आंदोलन में अन्ना को मिलने भी जाता है। कितना डबल स्टैंडर्ड है इस बंदे का। ये बंदा सडनली गुजरात का इलेक्शन खत्म होने के बाद मुझे लगता है सारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिल गया, सारे किसान भी खुश हो गए हैं, सारे पाटीदार को लगता है अनामत भी मिल गया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबको सब कुछ ठीक से चल रहा है, क्योंकि वो गुजरात इलेक्शन खत्म हो गया था इसलिए। अब क्योंकि कर्नाटका इलेक्शन आ रहा है, डेट हफ्ते 4-5 दिन पहले कर्नाटका इलेक्शन की पता चली, तो उसके बाद इन लोगों के प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो गए। इस बार कौन बना? दलित। थोड़े दिन पहले राजस्थान में बायपोल्स थे, तब पद्मावत के नाम पर करनी सेना को पूरा वो कर लिया और पूरा वो हाईजैक कर लिया, करनी सेना के जो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर बने हुए उनको खरीद लिया, जैसे कि ये लोग अभी भीम सेना वालों को खरीद ले, जैसे ये दलित के कुछ लोगों को खरीद ले, जैसे ये हार्दिक पटेल है, इनके यही तो धंधे है, यही इनका प्रोपोगेंडा है। फिर ये बंदा बकवास करता है, भारत बंद के ऐलान का निराकरण लाना जरूरी है। ठीक है, भारत बंद का ऐलान हुआ, भारत बंद करो एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, ये दंगाई गुंडाई दबंगाई ये नहीं चलती है, आम जनता सफर नहीं होगी, आप कहीं भी करोड़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो इस हार्दिक पटेल ने गुजरात में किया, 14 लोग मारे गए, आज 7 लोग मारे गए, कौन है उसका जिम्मेदार? कौन भरेगा ये भरपाई? पब्लिक प्रॉपर्टी करोड़ों की फूंक दी तुम लोगों ने, कौन करेगा? ये राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है ये हार्दिक पटेल पर, और ये बात करता है औकात की। अपनी औकात तो देख ले पहले, तू अपनी औकात देख, 2% की औकात नहीं है तेरी, 2 साल में इतना पैसा बना लिया कैसे शॉर्टकट अपना है? जिस बहन के लिए तू लड़ रहा था, आरक्षण की भीख मांगने निकला था, उस बहन की शादी में करोड़ों का खर्चा कर दिया, वो औकात की बात कर रहा है? अपनी औकात बढ़ गई है? ये बेचारे गरीब लोगों के नाम पर तुम लोग जो अमीर बन रहे हो ना, गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते ऐसे अमीर बन रहे हो, ऐसे शॉर्टकट अपना रहे हो, कांग्रेस की गोद में जाके बैठ रहे हो, उनके प्रोपोगेंडा पूरे कर रहे हो, इन सब की पैटर्न एक है, ये एक ही पैटर्न से काम करते हैं। भाजपा के राज में पहली बार भारत बंद हुआ है, ये बोल रहा है भाजपा के राज में पहली बार भारत बंद हुआ है, जबकि मैं इसको बता दूं कि भीमा कोरेगांव पाटीदार ये आंदोलन, पास अनामत आंदोलन समिति के लोगों ने जो ये गुजरात में करा था, ठीक है, उस और कितनी भी बार तुम लोग ने अभी 4 साल में कई बार भारत बंद करे, ठीक है, जनता ने भारत बंद का ऐलान दिया है, मतलब अब ये इसमें हिमायती कांग्रेस की कर रहा है, ये क्या बोल रहा है? कांग्रेस राज में भाजपा भारत बंद का ऐलान करती थी, जनता नहीं, मतलब कि जनता जो है वो बीजेपी के राज में ऐलान करती है, जबकि कांग्रेस के राज में भाजपा ने हमेशा भारत बंद किया है, जनता ने नहीं किया। तो ये बंदा ओपनली अभी जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था उसमें ये बोला कि मैंने कब कांग्रेस को समर्थन किया, मैं कहां कांग्रेस में हूं, मैं कहां चुनाव लड़ा, यहां पे कांग्रेस कांग्रेस करता रहता है बंदा, मूर्ख किसको समझता है, ये कांग्रेस की गोद में जाके बैठे हैं, ये जब प्रोपोगेंडा पूरे करते हैं, इनको दलितों से कुछ लेना देना नहीं है। 7 लोग मर गए, उसका किसी ने शोक संदेश नहीं दिया है अभी तक, किसी ने शांति बनाए रखने की बात नहीं करी है, ये सब ये कर रहे हैं, ये ट्वीट कर करके और भड़का रहे लोगों को, और ये सब गलत कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग वापस दलितों को गालियां बकेंगे। मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूं, मैं न्यूट्रल होकर बोलूं, क्या जरूरत है तुम आप लोगों को दलितों को गालियां बकने की? क्या कर रहे हैं वो,
राम जी पर थूक कर चप्पल मार रहे हैं, हनुमान जी पर थूक कर चप्पल मार रहे हैं, कौन भुगतेगा? भगवान सबके हिसाब करता है, इनका भी हिसाब होगा, जो गलत कर रहा है उनका होगा। लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि नफरत अगर हम भी बढ़ाएंगे तो नफरत बढ़ेगी, और नफरत बढ़ेगी यही वो लोग चाहते हैं। और फिर कल को ये लोग कांग्रेस आ जाए मान लो सत्ता में, तो अलग कर देगी दलित को, जैसे जैनों को अलग कर दिया था हिंदू से, जैसे दलित को अलग कर देगी, जैसे लिंगायत को अलग करने की बात करें, और इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि इनको पता है मुस्लिम वोट अब इनके इतने रहे नहीं है, दलित के वोट इनके पास है नहीं, क्योंकि मायावती की दलित वाली पॉलिटिक्स चलती नहीं है, बड़ी बुरी तरह से हारी। कांग्रेस को भी दलित वोट नहीं मिल रहे, मुस्लिम वोट भी नहीं मिल रहे, और ये सारे वोट जा रहे भाजपा के पास, इसलिए ये सारे के सारे लोग ये लोग प्रोपोगंडा करते हैं। यह हो गई हार्दिक पटेल की बात। अब आते हैं इन सबके सरदार राहुल गांधी उर्फ पप्पू उर्फ रॉल विंची उर्फ हाफ इटालियन। ये बंदा कहता है कि दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पे रखा हुआ है। अच्छा, मैंने राहुल गांधी की बात कर ली, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं शैला रशीद की। पहली बात तो ये शैला रशीद को बोलने का हक ही नहीं होता, उसको बोलो तुम सिया सुन्नी वाले अपने मैटर निपटा लो। और बाय द वे मैं शैला रशीद को एक तो स्पेशली बोल दूं कि आप लोगों में एक कौम है वोरा, ठीक है? अब जो भी मुसलमान सुन रहे हैं ना, सुन लो जाके पहले शैला रशीद को समझा लो, बाकी जितनी गालियां बकनी है बकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदुओं के मैटर में दखलंदाजी तो कतई नहीं चलेगी, करना भी मत। दूसरी बार शैला रशीद सुन ले कि तुम्हारे में कास्ट होती है वोरा। बड़े ही सभ्य सीधे साधे अच्छे लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, काम धंधे वाले लोग होते हैं। वोरा की कभी मैंने कोई बात सुनी नहीं, और हमारे गुजरात में तो वोरा काफी खुश है, बहुत पैसे वाले भी है और अच्छा लाइफ जी रहे। तो मैं वोरा लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक विनती करती हूँ, आप लोग सब अपना धर्म परिवर्तन कर लो, आप लोग हिंदू बन जाओ, क्योंकि हिंदुओं वाले सारे गुण आप लोगों में, आप ये सिया सुन्नी वाले और इन लोगों टाइप के आप बिल्कुल नहीं हो। तो बेहतर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, आप लोगों की इज्जत बच जाएगी, क्योंकि इन लोगों की वजह से आपकी भी इज्जत पे आंच आती है। तो शैला रशीद को मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि अभी हमारे दलित वाले और लिंगायत वाले मैटर पे बोली थी। तो मैं अब ये कह रही हूं कि जितने भी वोरा है मुसलमानों में, वो आप सब कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि है ना, आप लोगों की रिस्पेक्ट जो मुस्लिम में नहीं है और उनकी वजह से जो आपकी इज्जत खराब हो रही है ना, तो आप बेहतर है कि आप हिंदुइज्म अपना लो, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और आपके आपका जिस तरह का नेचर है, आप इतने शांति प्रिय, तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व बहुत ही शांति प्रिय रिलीजन है, तो आपको वो सम्मान मिलेगा। अब ये बोलती है आई एम अ नॉन दलित। यस शैला रशीद, आई एम ऑल्सो नॉन मुस्लिम। आई सपोर्ट भारत बंद, आई सपोर्ट वोराज, क्योंकि वोराओं की हालत खराब करके रखी हुई है आप लोगों ने। Against the delusion of SCST Act, atrocity against Dalits are real and thriving as Una Rohit Vemula Saharanpur showed us. मतलब ये अभी ऊना वाला केस दिखा रही है, ऊना वाले केस में ऑलरेडी उसको सजा मिल गई है, और बाय द वे वो दलित बाद में है, पहले वो हिंदू है, ठीक है? फिर ये बात करिए रोहित वेमुला की। रोहित वेमुला सुसाइड किया, सुसाइड नोट छोड़कर गया, अपनी मौत के पीछे किसी को वो ठहरा कि नहीं गया उसमें। ये बंदा सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो भी भाजपा जिम्मेदार है। बंदा नेचुरल मौत मर रहा है, तो भी भाजपा जिम्मेदार है। अभी दो दिन पहले भावनगर में एक दलित लड़के का मर्डर हो गया, ठीक है? ये कह रहे कि उस बंदे ने बोले कि घोड़ा रखा था, और उसने घोड़ा रखा इसलिए उसको मार दिया गया। ये भावनगर के जो एसपी है उसका स्टेटमेंट आया है, पूरी शिनाख्त की गई है। ये हर जगह प्रोपोगंडा करते हैं, इन लोगों के प्रोपोगंडा इतने निजी दुश्मनी की वजह से इनके आपसी लोगों में टकरार हुई है और वो बंदा मारा गया। इसको इन्होंने पूरा दलित वर्सेस हिंदूज कर लिया। इनको मैं शैला रशीद को बता दूं कि तुम अपने लोगों को संभालो, हमारे चीजों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और गुजरात के दलित है या गुजरात के हिंदू है वो हमें देखने दो। तुम जब अपने आप को एज अ मुस्लिम पोर्ट्रे करती हो तो दलित भी दलित नहीं है, हिंदू है, कान खोल के सुन लो, और अपनी है ना औकात में रहो। अभी मुफ्तखोरी में पल रही हो, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जंतर मंतर पर बाद में बैठो, 75% अटेंडेंस से तुमको प्रॉब्लम है, तुम अपनी पढ़ाई नहीं करती हो, कॉन्डम्स लेके बैग में घूमती हो, लिव इन रिलेशनशिप की बात करती हो, खुले में स्मूच की बात करती हो, बंद ब्रा बिना ब्रा के घूमने की बात करती हो, ये सब तुम हरकतें करती हो, इसलिए तुम्हारे माँ बाप भेजे तुमको कश्मीर से। बड़ी कश्मीरी क्या बोलते हैं, बड़ी कश्मीरी गरीब परिवार की औरत हो तुम, 33 की एज हो गई है, अभी भी मुफ्तखोरी में पल रही हो हमारे पैसों पर, इसलिए नहीं दे रहे कि तुम ये सब करो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपनी औकात बना लो। जी हाँ, तुम्हारी 2% की भी औकात नहीं है, अपनी औकात बनाओ और फिर ये राजनीति करना, और करनी है ना तो अपने दम पे करो, हमारे पैसों पे मत करो। तीनों टाइम का खाना खरीदने की औकात नहीं है, हमारे पैसों पे पलती हो और हमसे बकवास करती हो। ये मैं आपको एविडेंस दिखा रही हूं, इसमें क्या लिखा है, नो एविडेंस फाउंड इन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन विच प्रूव्स ही वॉज किल्ड फॉर कीपिंग अ हॉर्स।
इसको मुद्दा बनाया जा रहा है सारे टेलीविजन पर, ये एनडीटीवी वाले तो पीछे पड़ के झूठ बताते। एसपी खुद बयान दे रहा है, जब एसपी ने कहा कि ये चीज है ही नहीं, घोड़ा रखने वाली बात ही नहीं थी, अंदर अंदर इनके गुटों में लड़ाई हुई और उस बंदे को मार दिया गया है, ये सारे के सारे प्रोपोगेंडा करते हैं, उल्लू बनाने के धंधे करते हैं, जब कोई कानून इनके पक्ष में बोलता है तो बड़े खुश है, हाँ भाई हम बड़े खुश, कानून जुडिशरी अपना काम कर रही है, और जब पुलिस और कानून इनके खिलाफ जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं मिलते तो कहते हैं कि जुडिशरी तो बिक गई। भैया वामपंथी सारे के सारे बैठे हुए जज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुओं का त्योहार बैंड करवा देते हो दिल्ली में, हमारा फेस्टिवल बैंड कर दिया, पटाखे नहीं फोड़ पाए, खरीद भी नहीं पाए, वो व्यापारी बेचारे परेशान हो गए, तब किसी ने जुलूस नहीं किया, तब तो भाई एकदम सही था, तब तो सब कुछ सही चल रहा था, हम भी चाहते तो हम हिंदू इस तरह से सड़क पर उतर सकते थे, हम लोग कर सकते थे दंगाई गुंडाई, हमने नहीं करी क्योंकि हमारे ये संस्कार ही नहीं है, हमारे ये कल्चर ही नहीं है। कहते हैं ना कि हिंदुत्व अपने आप में है ना बहुत सहिष्णु है, और ये हमारी सहिष्णुता है कि हम जुडिशरी के हर एक फैसले को सर आंखों पे रखते हैं, मुझे नहीं पता कल को राम मंदिर का क्या फैसला होगा, जो भी आए हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे जो आप लोग ये कर रहे हो, जो आप अपने गुंडों को भिजवाकर ये सारी गुंडाई करवा रहे हो, या लोगों आम जनता को परेशान कर रहे हो, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। ये प्रवीण जी एसपी है जो भावनगर के, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी और ये मैटर क्लियर हो गया। तो आप कोई बकवास करें ना ये भावनगर वाले मैटर पर, तो मुंह पर मारना उन लोगों के ये तमाचा। अब ये बंदी है ना, इसने जो ऊना रोहित वेमुला की और सहारनपुर की बात करी, मैंने इसको अच्छे से जवाब दे दिया है। अभी बोल रही है, इफ देयर वेर अ सिमिलर लॉ अगेंस्ट एट्रोसिटी ऑन मुस्लिम्स, हाफ ऑफ नरेंद्र मोदी कैबिनेट वुड बी इन जेल। अच्छा, मुसलमानों का ऐसा क्या हुआ है? अब मैं ना थोड़ा सा कड़वा बोल रही हूं, पर सुन लो, आज तक किसी ने एक भी ऐसा सुना कि हिंदुओं की वजह से मुसलमानों से गांव खाली कराए गए? मैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मेरे को एक एग्जाम्पल कोई बता दो। मैं कश्मीरी पंडित की बात करती हूँ, कौन निकला? कश्मीरी पंडित। मैं कैराना की बात करती हूँ, कौन निकला? कैराना। मैं पश्चिम बंगाल की बात करती हूँ, धूलागढ़ की, रानीगंज की जो, और ये मालदा में जो हुआ, कौन गया? हिंदू। इनफैक्ट बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आके पल रहे हमारे देश में, उनको भी संभाल के बैठे और ये बोलते हैं कि हाफ ऑफ द मोदीज कैबिनेट वुड बी इन जेल। वाओ, मुझे एक एग्जांपल कोई ऐसा बता दो कि जिसमें है ना ये प्रूव हुआ हो कि हिंदुओं ने मिलके मुसलमानों को भगाया। नहीं है, एक एग्जांपल नहीं है किसी के पास में, लेकिन हजारों एग्जांपल और हजार साल से ये चीख चीख के कह रहे हैं कि हिंदुओं पे कितना अत्याचार हुआ है, उनके घर से उनको भगाया, मारा जा रहा है, दलितों के साथ जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है उस पर किसी ने एक शब्द बोला है? इतने हिपोक्रेट से ये लोग, इनको सिर्फ राजनीति करनी है, यहाँ पे इनका दोहरा चेहरा दिखाई देता है, और जो लोग इनको समर्थन करते ना करो, कोई इशू नहीं है, पर एक बार है ना सच्चाई देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिखाने हैं दोनों दिखाओ। आप एक तरफा बात करते हो, आप ऊना दलित की बात करते हो, आप रोहित वेमुला की जो आत्महत्या कर रहा है उसकी बात कर रहे हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बानो तो इनकी सगी माँ लग रही है ना, इनकी अम्मा है, उसके खिलाफ कैसे ये बोलेंगे? अखिलेश यादव के टाइम में पूरा कैराना खाली हो गया, तब कोई नहीं बोले, मायावती और अखिलेश यादव के टाइम में किसी को पड़ी नहीं थी दलितों की। ये सिर्फ एक है ना, मतलब इनके प्रोपोगेंडा भाजपा के खिलाफ, मोदी आ रहा है ना, मुस्लिम वोट बैंक चले गए, दलित वोट बैंक चले गए, 21 स्टेट आ गए, ये इनके इन प्रकार इन दंगा करो, लोगों को भड़काओ, लोगों को असलियत भी नहीं पता होती और ये सारे ये लोग कांड करते हैं। तो ये शैला रशीद, पहले ना मुफ्त के टुकड़े खाने छोड़ दे, अपने दम पर खड़ी हो जा, अपने माँ बाप को दो टाइम का खाना खिला ले, वो गरीबी में पल रहे हैं, अपनी बेटी को ये करने नहीं भेजा है, तुम अपने है ना चाल चरित्र चेहरे देख लो और बाद में हम लोगों पे बकलोली आके करना। मैं अब ये बताती हूँ, राहुल गांधी ने जो आज ये ट्वीट किया उस पर मैं राहुल गांधी को बोलती हूँ कि ये पूरे में यूपीए के टाइम पर जो कांग्रेस में ने जो किया दलितों पर और कितनी एट्रोसिटी हुई उसके मैं आंकड़े लेके आई हूँ। 2009 33,594 मामले सामने आए, 2010 32,712, 2011 33,719, 2012 33,655 और 2013 में तो मतलब कि 19.5% से ज्यादा बढ़ गया, 39,408। ये सारे मामले यूपीए के टाइम में हुए, इनफैक्ट यूपीए के टाइम में 66% एट्रोसिटी बढ़ गई थी, दलितों पर इतने अत्याचार हुए थे, इतने बलात्कार हुए थे, इतने धर्म परिवर्तन हुए, बहुत जय भीम जय मीम कर रहे हो।
तुम वहां क्यों नहीं बोलते हो जहां पे ये मीम लोग भीम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब मुझे कहेंगे कि मैं दंगे भड़का रही हूं। मैं दंगे नहीं भड़का रही हूं, मैं लोगों को नहीं भड़का रही, मैं जो सच्चाई है ना वो मैं दिखा रही हूं। जिस आंखों पे तुम है ना सोनिया माता उस इटालियन मैडम के नाम की जो पट्टी बांध के बैठे हो और तुम्हें जो सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूं। अब मैं ना इन लोगों को बता दूं कि 2015 में 15,638 केस सामने आए थे दलितों पर एट्रोसिटी के, ठीक है, जिसमें से 11,000 केस तो बिल्कुल ही फेक थे, ठीक है। 455 केस ऐसे थे कि जिसमें कोई आया ही नहीं उस केस के उस पर, जब केस सामने आया और जब अदालत में उसकी पेशी थी कोई नहीं आया, ठीक है। और 4,000 केस सही पाए गए, 4,119 केस, मतलब 15,638 में से 4,119 केस सही थे। और ये हम भी जानते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग ऐसा करते हैं, पर जैसे कि औरतों के लिए कुछ कानून बने हुए तो काफी बार औरतें, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ बीइंग अ फीमेल, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 80% औरतें उस कानून का गैर फायदा उठाती है, कुछ भी नहीं होगा लेकिन ब्लेम कर देंगे, 498 केस लगा देगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देगी, कोई इशू नहीं है। उसी तरह से जो ये एट्रोसिटी का है, ये जो जिग्नेश मेवाणी है खुलेआम मंच से ब्राह्मणों को गालियां बकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को गालियां बकता है, इतने घटिया शब्द का प्रयोग करता है, अगर ये हम कर ले तो हम पे एट्रोसिटी हो जाएगी। ये कर रहे हैं तो मतलब क्या सेल्फ रिस्पेक्ट इस देश में माइनॉरिटी की और जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों की है क्या? क्या हम लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर तो हम जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मान ही नहीं रहे उन लोगों से हक ले लो भाई, हम लोग नहीं भरेंगे टैक्स। जिन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा दी हुई है लाइक माइनॉरिटीज या लाइक दलित या लाइक एसटीएससी, तो वो ही लोग टैक्स भरे ना, हम लोग क्यों भरे? टैक्स भरने में सब एक समान हो जाते हैं और कायदे सबके लिए अलग अलग, मुसलमान के लिए अलग कानून, बाकी माइनॉरिटीज के लिए अलग कानून, एससी एसटी के लिए अलग कानून, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा अन्याय? और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आप लोगों पर अत्याचार हो रहे, तो अत्याचार तो सब पे हो रहे, बहुत लोगों पर है, बहुत सारे ऐसे केस है कि जिसमें सारी जातियों पर अत्याचार हो रहे हैं, पर वो हम लोग तो हमेशा, हम लोग ने कभी ये नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं करा कि मैं ये फला फला जाति की हूँ और मेरे पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ ये जिग्नेश मेवाणी हम लोगों के लिए गलत बोल रहा है, हम लोगों की भावनाएं आहत कर रहा है, हमारी रिलीजियस भावनाओं को आहत कर रहा है, हमारे राम जी पर जूते मारते हो, हनुमान जी पर जूते मारते हो, उन पर थूकते हो आप लोग, जबकि भीमराव अंबेडकर के नाम में भी राम जी है, और जिस भीमराव जी की आप लोग दुहाई देते हो वो भीमराव जी ने खुद कहा था कि आप लोग को वो आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये आप लोग क्या कर रहे हो? आपको जो रिजर्वेशन मिला, जिससे आप लोग, आप लोगों को खाना, इज्जत, शोहरत, रुतबा सब कुछ मिला, आप लोगों के रुतबे हमसे ज्यादा है जी, बेशक आप लोगों को हम रोज रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, हमने कभी आप लोगों को गलत भाषा में नहीं बोला, लेकिन आप लोग हमको गालियां बकते हो। और मेरे सामने ऐसे बहुत केस आए हैं सामने कि जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को दो दिन में बहुत गालियां दे रहे हैं दलित को। भैया ये दलित को गालियां नहीं है, ये उन लोगों को गालियां है जो दलित की राजनीति करते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज को अन्यथा मत लिए, आप मत बटिए, आप ये लोग वही कोशिश कर रहे हैं बांटने की। और बाकी लोगों को भी मैं न्यूट्रल होकर कह रही हूँ कि मत करो ये गाली गलौज, हमारे अपने भाई है, हम नहीं चाहते ये हमसे अलग हो और हमसे कटे। मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सब जगह इन लोगों ने अलग अलग आंदोलन कर, अब कर्नाटका में ये लोग ये वाला आंदोलन, क्योंकि अब इलेक्शन हो जाएगा ना, ये सारे इश्यू सॉल्व हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद सारे दलित खुश हो जाएंगे, कर्नाटका चुनाव खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी देखना ना, ये दलित का कर लिया ना, अब किसानों का करेंगे ये बहुत जल्दी। जबकि कर्नाटका की सरकार 5 साल में बिल्कुल फेल हुई है, उस आदमी को मटर गश्ती करने से वक्त नहीं मिलता, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वहां पे रिपोर्टर उसने जेल में भिजवा दिए है, ये बंदे इस इनका तो करियर खत्म ही है, कर्नाटका भी इनके हाथ से जाने वाला है। इसलिए ये सारी कोशिश कर रहे हैं, लिंगायत वाली, दलित वाली, ये सारे स्टेट्स में इन लोगों ने ये दंगे भड़काए। राजस्थान में बॉयकॉट्स खत्म होने के बाद में कर्मी सेना सडनली गायब हो जाती है, गुजरात में मतलब कि खत्म होने के बाद में सडनली पाटीदार लोग गायब हो जाते हैं, कर्नाटका शुरू होने से पहले ये सारे इश्यूज इन लोगों के खड़े हो जाते हैं, मतलब साफ है। और मैं आपको बता दूं कि आज की न्यूज शायद किसी को ना पता हो, तो ये जो यूपी में हुआ, बीएसपी का पूर्व विधायक योगेश वर्मा इस दंगे में पकड़ा गया है, उसके साथ 500 लोगों की अरेस्ट हुई है, और वहां के जो वहां की पुलिस ने इनको डिटेन किया है एसपी ने, और उन्होंने इस पे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की बात कही है। ये बीएसपी वाले, इनके गुंडों ने वहां पे ये सारे दंगे करवाए, उसके सारे प्रूफ भी मिले अब। और ये लोग जब पकड़े जाते हैं ना तो क्या कहते हैं पता है? ये लोग कहेंगे भाजपा वाले, भाजपा वाले। एक्चुअली है ना, राजनीति कौन कर रहा है, ये घटिया राजनीति के स्तर पर कौन आ गया है, वो सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। बाबा साहेब का नाम लेते लेते जिग्नेश मेवाणी
ये भूल गया कि बाबा साहेब की, जिस बाबा साहेब की वो बात कर रहा है, उस बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया जिस कांग्रेस की गोद में जाके बैठा और लोगों को उल्लू बनाने के धंधे करते ही है। 66% वृद्धि उन पर हुई थी यूपीए के टाइम पर, 66% एससी एसटी पर जो जुल्म हो रहे थे उसकी वृद्धि हो गई थी, तभी उसमें कुछ नहीं बोलते हैं ये बंदे। और यहाँ पे आके मतलब अचानक से इन लोगों को भाजपा के स्टेट में सडनली इनको मुसलमान खतरे में रखता है, इनको सडनली दलित खतरे में लगता है। आज तक तो कोई खतरे में नहीं था, सब कुछ बराबर रह रहे थे। घोड़े की टांग टूट जाती है तब भी आप लोग उसका नेशनल इश्यू बना लेते हो, आप लोग इसको पत्थरबाजों की आप लोग हमदर्द समर्थन करते हो, और ये अल्पेश ठाकुर पत्थरबाज को आंदोलनकारी बता रहा है। हद है, मतलब कि बेशर्मी की कोई हद होती है। ये हमारे ना, हमारे देश में पलने वाले वो सपोले हैं जो हमारी खाते हैं, हमारी खोदते हैं। अभी भी वक्त है इनके असली चेहरे देखो, इन लोगों को है ना बॉयकॉट करो। ये जो मीडिया इन लोगों को मंच दे रही है ना शेयर करने के लिए, इन लोगों को बुला रही है, इनकी भाषा देखो, इनके तरीके देखो, इन लोगों की हरकतें देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, इन ये लोग जो चाहते हैं वही कर रहे हो। बंद करो ये, अंदर अंदर आपस में नहीं लड़ना है हिंदुओं को। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपनी बात यहाँ पे कहके समाप्त करती हूँ, बट मैं उससे पहले आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने चाहूंगी जो जो जानना बहुत जरूरी है। ये पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं और जो भी सही पाएगा, ये दोनों बंदा एक ही है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये बंदा जो है करनी सेना वाला बन के आया है, और आज ये सेम बंदा जय भीम वाला बन के आया है। ठीक है, आज के आंदोलन में ये था। एक्चुअली ये बंदा है ना कांग्रेस का, कौन है, मैं आपकी गलतफहमी दूर करती हूँ, ये बंदा ना तो करनी सेना वाला है ना ये भीम वाला है, जय भीम वाला। ये बंदा जो है कांग्रेस का अब्दुल है, और ये कांग्रेस का अब्दुल है ना ऐसे ही सारे गुंडे ये लोग छोड़ते हैं। दलित की रैली भी शांतिप्रिय हो सकती थी, लेकिन ऐसे गुंडे ये लोग हर जगह छोड़ देते हैं और वो जाके ये काम करते और फिर बदनाम कौन होते सारे के सारे। करनी सेना का भी जो प्रोटेस्ट था उसमें ऐसे ही गुंडे इन्होंने छोड़ रखे थे और बदनाम हुए। तो बदनाम कौन हो रहा है, ब्राह्मण, जाट, मराठा, राजपूत, दलित, ये सब बदनाम हो रहे क्योंकि इन लोगों के जो गुंडे हैं कांग्रेस के वो ये जाके कर रहे हैं। और जो मैं आपको बताऊं कि ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, जो मतलब कि डेटा चोरी का अभी जो सारा मामला सामने आया था, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का तो क्लाइंट है राहुल गांधी, और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने तो बकायदा इसको बनाकर दिया था राहुल गांधी को कि अगर सत्ता में आना है तो इस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और जो सारी खुल के आई और सारे न्यूज चैनल पर ये बात आई और जो कि प्रूव भी हो गई है, और कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो बॉस है उसके और इसके बहुत गहरे संबंध है, उसकी ऑफिस में कांग्रेस की बकायदा फोटो रखी हुई है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के कहने पर ही ये सारा राहुल गांधी काम करवा रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। कर्नाटका इलेक्शन से पहले ये हो गया है, आज दलित वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा, बहुत जल्दी किसान वाला आएगा। अभी 1.5 महीना बाकी है ना कर्नाटका इलेक्शन में, तो अब ये किसान वाला भी करेंगे, अगेन लिंगायत वाला करेंगे, और लिंगायत में जो ऑलरेडी दो जन घुट घुट जो लड़ रहे हैं, लिंगायत और वीर शैवा, इनके भी ये लोग वहां पे दंगे करवाएंगे। एक बोल रहा है हमको हिंदू से अलग होना है, एक बोल रहा है हमको हिंदू में ही रहना है, यही सब काम ये लोग करवाएंगे। तो अभी भी वक्त है, सोचो समझो, अपनी अकल लगाओ, देखो कि क्या हो रहा है, बट मेहरबानी कर अंदर अंदर मत लड़ो, अंदर अंदर एक हो जाओ, इनके प्रोपोगंडा समझो। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। लेकिन ये जो भी मतलब इन लोगों ने जो भी चक्का जाम करा, ट्रेन रोकी, ये सारी चीजें करी, छोटे बच्चे के सिर पर इन लोगों ने जो मारा है और बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा, एक नवजात बच्चा जो एम्बुलेंस में जा रहा था अपनी ट्रीटमेंट के लिए वो एम्बुलेंस रोक दी, ये सब बहुत गलत हो रहा है। आप लोग आंदोलन करो, एक तरीका होता है, शांति से करो आंदोलन, ये तरीके नहीं होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी करोड़ों की फूंक देने की। सारे अधिकार मिले हुए आपको, नौकरियां मिली हुई है, अच्छी पोस्ट पे आप लोग हो, आप लोग अच्छा कर रहे हो, फिर ये क्यों करना है ये सब। और जिग्नेश मेवानी और प्रकाश आंबेडकर जैसे लोग आप लोगों को अच्छी राह दिखाएंगे जो आप लोगों को और बैकवर्ड कर रहे हैं, आप लोग समझिए। वंदे।